हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, इफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज। तो ए और बी की आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, एक ऑप्शन इसमें नन ऑफ दीज भी है। तो इस देखो ये लिखा है कि डिविजिबल बाय, डिविजिबल का मतलब हमेशा होगा कि इस केस में रिमाइंडर क्या होने वाला है, रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो पहले हम इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा तो वो आपका क्या होगा, वो जीरो कर देंगे हम उसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन से हमें डिवाइड करना है किसको, एक्स की पावर 4 प्लस आपका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 प्लस आपका 8x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, इसको आप बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। तो यहाँ जब इसको दोगे, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 आने के लिए एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे, सेपरेट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 4 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स की पावर 3, तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ ही इसको कंपेयर करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस का है, प्लस के 7x स्क्वायर बचा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए एक्स प्लस आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर इसको जो x की पावर 3 लाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर जो आएगा हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस x बचेगा। फिर यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 0 और यहाँ से हमारा बचेगा 7x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा प्लस का। देखो ये x यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ ये x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो a माइनस 1 और ये हो जाएगा x और प्लस का आपका b हो जाएगा। फिर से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 आना चाहिए तभी तो 7x स्क्वायर होगा, 7x स्क्वायर प्लस का आपका 7 हो जाएगा और यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर x है और ये कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रखेंगे, यहाँ से आएगा a माइनस 1 और इंटू एक्स हो जाएगा प्लस का आपका v माइनस 7 हो जाएगा, ये आपका फाइनल रिमाइंडर आ गया। अब इस रिमाइंडर की वैल्यू ही क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मतलब a माइनस 1 एक्स प्लस बी माइनस 7, रिमाइंडर की वैल्यू 0 क्यों होगी, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। वो इसलिए 0 होगी क्योंकि ये डिविजिबल है। क्या है, डिविजिबल। डिविजिबिलिटी के केस में क्या होता है कि रिमाइंडर ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। देन अगर इसकी वैल्यू 0 रखना है तो ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए, तभी 0 होगा। एक्स इज अ वेरिएबल, वो आपका 0 यहाँ नहीं होगा, तो ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लो आप, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ से आपका b माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से a और b की वैल्यू होगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, तो इसका आंसर जो है वो आपका a जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो उसको मुझे आप टेलीग्राम में उसके फोटो सेंड कर सकते हैं, मैं आने वाले टाइम में उन क्वेश्चंस को जो है उन क्वेश्चंस पे वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। और फिर भी अगर और कोई आपको सजेशन या कुछ देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती अहमद साइनिंग ऑफ।